वंदनीय महासारदे, आदरणीय आचार्य जी, दीदी, आज हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन मना रहे हैं। अभी अभी आचार्य जी ने लगभग उनसे संबंधित जुड़ी कुछ तथ्य अपने आप को बताए। कार्य की दृष्टि से बचपन से ही इनके अंदर देश और समाज के प्रति चिंतन रहा है और अध्ययन काल में ही जब ये अपना पढ़ाई कर रहे थे तो इनकी सोच देश के प्रति ही थी और जब सोच देश के प्रति थी तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। 1939 से 1941 तक के बीच में इन्होंने सभी प्रकार के वर्ग पूर्ण कर लिए जो आज हम लोग ओटीसी के नाम से जानते हैं। जब प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया तो ये संघ के प्रचारक बन गए और समाज के प्रति कार्य करना शुरू किया। फिर आवश्यकता के अनुसार इन्होंने ये सोचा कि यदि हमारी पैठ सरकार में नहीं होगी, जब देश स्वतंत्र हो गया तो सरकार में अगर हमारी पैठ नहीं होगी तो हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं होगा, समाज के प्रति हम कितना भी कार्य करते रहें। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर सन 1951 में जनसंघ की स्थापना किया और ये शुरू से ही महासचिव रहे हैं। जैसा अभी आचार्य जी ने बताया कि 1951 से 1967 तक अनवरत ये संघ जनसंघ के महासचिव रहे हैं। उसी बीच में ये अपना समाज के प्रति कार्य करते हुए जितना भी अधिकतम हो सकता था इन्होंने समाज के लिए कार्य किया। क्योंकि पढ़ने में प्रखर बुद्धि के शुरू से रहे हैं तो उसी प्रकार से इन्होंने अपना कार्य भी किया। आगे जो इन्होंने बीज बोया था उस बीज का पूर्ण रूप से समाज में उसका प्रकटीकरण हो रहा है और आज आप देख रहे हैं कि अपना देश जो कभी कल्पना डॉक्टर साहब ने किया था कि विश्वगुरु बनेगा, तो हम आप भी देख रहे हैं कि विश्वगुरु के पथ पर आगे बढ़ने के लिए पूर्ण रूप से हर बिंदु पर कार्य करते हुए अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी इत्यादि सभी अन्य अनुसांगिक संगठन देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो पंडित दीनदयाल जी ने जिस बीज का अंकुरण उस समय पर शुरू किया था वो आज पूर्ण रूप से देश और विदेश में फैल रहा है। हमको आपको भी इनके जीवन से कुछ एक चीज, सभी चीजों का अनुपालन नहीं कर सकते हैं लेकिन एक चीज को अपने को सीख लेते हुए हम भी अगर आगे बढ़ के देश और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं तो यही सच्ची श्रद्धांजलि हमारे आपके लिए होगी। धन्यवाद।